हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है 21 अगस्त और दिन है रविवार और मैं यहाँ पर प्लांट्स में पानी डाल रही हूँ। और आज मैंने ना हेयर वॉश किया है और विहान जो है अभी अभी सो करके उठा है और मैं पानी डाल रही हूँ तो उसे भी पानी डालना होता है। तो वो मुझसे मग मांग रहा है कि मुझे भी पानी डालना है। वो क्या करता है ना कि पानी जो है नीचे गिरा देता है, इसीलिए मैं उसको नहीं देती हूँ। लेकिन बच्चे जो हैं मानते नहीं हैं, उनको बस करना होता है तो करना होता है। और अभी टाइम जो है ना 10 बज रहा है मॉर्निंग के और हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है। आज मैंने नाश्ते में चाय और सैंडविच बनाया था और अभी ना मुझे खाना बनाना है दिन का लंच। तो हम मैं शुरू कर देती हूँ क्योंकि 12 एक बजे तक हम लोग लंच कर लेते हैं। और आज ना मैं दिन के लंच में करेले का भरवा बनाने वाली हूँ, उसी को मैं काट रही हूँ। तो सारे बीज मैं निकाल दे रही हूँ, साइड से भी कट कर दे रही हूँ जिससे कि मसाला जो है अच्छे से भर जाए। और ये करेले ना बिल्कुल फ्रेश हैं, अभी अभी ये लेकर के आए थे मॉर्निंग में। तो बस इसको जल्दी से कट कर लेंगे और मैं दाल चावल बना दूंगी इसके साथ, क्योंकि करेले के भरवे के साथ दाल चावल अच्छा लगता है। और मैं दिन के लंच में ज़्यादातर दाल चावल ही बनाती हूँ क्योंकि विहान भी यही खाता है डेली। और आज ना गर्मी बहुत है, बहुत ही तेज़ धूप निकली है तो मैं यहाँ पर फेस वॉश कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि पहले फेस वॉश कर लेती हूँ फिर से, उसके बाद मैं किचन में काम करूँगी क्योंकि बहुत ही स्वेटिंग हो रही थी आज। तो बस मैं बालों में कॉम कर रही हूँ क्योंकि मैंने हेयर वॉश किए थे ना, तो फिर बालों में कॉम नहीं किया था। और यहाँ पर ना मेरा दाल जो है ख़त्म हो गया था डिब्बे में, तो उसी को मैं भर रही हूँ। और करेले को कट करने के बाद ना मैंने उसमें एक सीटी लगा करके बॉयल कर लिया था। ज़्यादा देर तक उसको बॉयल नहीं करना है, सिर्फ एक सीटी ही लगा करके बॉयल करना है, नहीं तो ज़्यादा गल जाता है। और एक सीटी बॉयल करने के बाद ना मैंने उसको तेल में फिर फ्राई कर लिया है।
तो अभी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए तेल में फ्राई हो रहा है करेला। इससे ना करेला जो है टेस्टी भी बनता है और जल्दी भी बन जाता है, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और दूसरी तरफ मैं दाल बैठा दे रही हूँ, तो दाल मैंने धो ली है, उसमें नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दिया है। और करेला जो मेरा है फ्राई हो चुका है, उसको अब हम निकाल लेंगे। अब स्टफिंग के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर विहान को मैंने केला दिया है खाने के लिए, और देखिए वो कैसे खा रहा है, उसका छिलका निकाल करके कहीं पर भी फेंक देता है वो। तो अभी ना दिन के 11 या 11:30 हो रहे हैं, तो उसको मैं इतने टाइम पर केला दे देती हूँ खाने को। तो अब मैं करेले के भरवे के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। तो मैंने तेल में बड़ी वाली सौंफ डाल दिया है, और इसमें 3 से 4 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए हैं लंबे काट करके। जब प्याज थोड़ा सा लाल लाल हो जाएगा, थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, तब मसाले डाल देंगे। तो प्याज जो है फ्राई हो चुका है। अब मैंने इसमें हल्दी डाल दिया है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला, और फिर नमक डाल देंगे। और मैंने थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दिया, क्योंकि खटाई मेरे पास नहीं थी तो मैंने नींबू का रस डाल दिया। फिर बस इसको अब पका लेंगे 10-15 मिनट तक लो फ्लेम पर। और मैंने मसाले को पकने के लिए थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है, जिससे कि अच्छे से पक जाए। अब मेरी दाल जो है बन चुकी है, दाल में तड़का लगा देंगे। तो मैं घी और जीरे से ही डेली दाल में तड़का लगा देती हूँ, और कभी कभी मैं प्याज टमाटर डाल के अच्छे से फ्राई करती हूँ। ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि विहान भी सिंपल ही दाल खाता है, वो ज़्यादा फ्राई वाली दाल नहीं खाता है जिसमें प्याज टमाटर डाल देते हैं। और मैं यहाँ पर अब विहान को खाना खिलाने जा रही हूँ, तो मैंने उसके लिए कटोरी में चावल दाल निकाल लिया है, और थोड़ा सा घी भी डाल दिया है। और उसको खाना खिलाने के बाद ना, ये देखिए मेरा मसाला जो है करेले के भरवे के लिए अच्छे से पक चुका है, तैयार हो चुका है। अब हम इसको करेले में भर लेंगे, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, क्योंकि गरम गरम भरते नहीं बनता है। बस इसको फटाफट से भर लेंगे, और थोड़ी देर तक तेल में फिर से फ्राई कर लेंगे 5 मिनट तक, क्योंकि करेला जो है आधा मेरा पहले ही गल चुका है। पहले मैंने इसको बॉयल भी कर लिया है, फिर तेल में भी फ्राई कर लिया था। तो अब ज़्यादा देर तक नहीं पकाना होता है, बस 5 मिनट तक लो फ्लेम पर इसको थोड़ी देर तक फ्राई कर लेंगे। तो चावल दाल तो मेरा बन चुका है, बस करेले का भरवा भी अब तैयार है। तो बस खाना बनाने के बाद ना, मैं यहाँ पर फ्रिज की क्लीनिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैंने फ्रिज को क्लीन नहीं किया है, डीप क्लीनिंग, और फ्रिज भी काफ़ी गंदी हो गई थी। तो मैंने सोचा पहले ये काम कर लेती हूँ, फिर खाना खाऊँगी, क्योंकि खाना खा लो ना तो फिर आलस आने लगता है और तुरंत काम करने का भी मन नहीं करता। तो फ्रिज का जितना भी सामान है ना, सब पहले निकाल देंगे। तो मैं 15 दिन या महीने में एक बार फ्रिज की क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, और इस बार ना 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले आज इस काम को निपटा देती हूँ, नहीं तो फिर डिले होता जाता है।
तो कभी कभी तो मैं शेल्फ़ को निकाल करके फ्रिज को अच्छे से क्लीन करती हूँ, लेकिन ना ये कांच की शेल्फ़ है तो एक बार मैंने निकाली थी ना तो मेरे हाथ में ही लग गया था, इसीलिए आज मैं शेल्फ़ को नहीं निकाल रही हूँ, बस ऐसे ही ऊपर से क्लीन कर दे रही हूँ। तो पहले मैंने कपड़े से एक बार इसको अच्छे से पोंछ लिया है और ये जो स्प्रे वाली बॉटल है ना, इसमें मैंने एक क्लीनर सॉल्यूशन बनाया है, इसी से मैं फ्रिज को क्लीन करती हूँ तो अच्छे से क्लीन हो जाता है इस सॉल्यूशन से। बस फटाफट से अब इसको पोंछ लेंगे। और ये देखिए मेरी फ्रिज जो है बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और बिल्कुल चमचमा रही है। अब इसको थोड़ी देर तक सुखा लेंगे और फिर जब ये सूख जाएगा तब इसमें सामान रखेंगे। तो फ्रिज को क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पर सोफ़े को ठीक कर रही हूँ, क्योंकि इसका कवर वगैरह भी हट गया है और काफ़ी फैला फैला सा लग रहा है, और खाना पीना होने के बाद ना घर थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है। तो उसी को मैं झाड़ रही हूँ, ठीक कर रही हूँ और इस पर फिर कवर लगाऊंगी। और विहान भी आ गया है मेरी हेल्प करने। छुट्टी के दिन भी ना सुबह से शाम कब हो जाती है, घर के काम करते करते पता ही नहीं चलता है, और इसी तरह करते करते पूरा दिन निकल जाता है, ये काम कर लें वो काम कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, टेक केयर, बाय बाय।